आज आप सब सीखने वाले हैं लाइन कैसे ड्रा किया जाता है, कितने तरह से और कैसे ड्रा किया जाता है, और इसके विस्तृत में आप जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा लास्ट तक। सो लेट स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिखा रहा है लाइन, तो ये लाइन कमांड यहाँ पर जस्ट क्लिक करें तो लाइन भी आप ड्रा कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यहाँ नीचे भी दिखा रहा है तो स्पेसिफाई किया मैंने, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिर यहाँ पर दिखा रहा है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है क्लोज सी। यहाँ पर इधर करेंगे तो इधर का भी पॉइंट दिखाएगा, यहाँ इधर भी पॉइंट दिखाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट दिखाएगा। और यहाँ पर जो यहाँ पर तो मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए अंडो पर क्लिक कीजिए। देख सकते हैं ये मिस्टेक था तो खत्म हुआ, इसके लिए फिर यहाँ अंडो पर क्लिक कीजिए। तो ये जो मिस्टेक से अगर आप लाइन इधर उधर ड्रा हो जाता है तो उसको बैक करने के लिए अंडो पर क्लिक कीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर तो क्लोज करना है, तो यहाँ पर जस्ट जो सी दिखा रहा है हाईलाइट होगा, देख मैं जूम करके दिखा देना चाहता हूँ, ये जो ये ब्लू कलर का दिखा रहा है सी, यहाँ पर जो ब्लू कलर में दिखाएगा वो शॉर्टकट रहेगा। तो ये क्लोज का क्या हुआ, सी हुआ शॉर्टकट कमांड, और अंडो का क्या हुआ, यहाँ देख सकते हैं यू हुआ तो शॉर्टकट कमांड। तो यहाँ सी और यू का भी यूज कर सकते हैं, तो मैं जस्ट सी इंटर दबा दिया तो देख सकते हैं क्लोज हो गया। तो ये क्लोज कैसे होगा, ये सी इंटर करने के बाद वो जस्ट स्टार्टिंग जो आपने पॉइंट स्टार्ट किया था वहाँ पर जाके मीट होकर इंड हो जाएगा, अर्थात क्लोज हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंटिंग से इंड क्लोज होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, तो यल इंटर दबाइए, उसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया, उसके बाद सेकंड पॉइंट किया, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पॉइंट किया, उसके बाद यहाँ मुझे क्लोज करना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्लोज दिखा रहा है, यहाँ पर भी क्लिक करने से हो जाएगा, देख सकते हैं क्लोज हो गए। अब मुझे लाइन ड्रॉ करना है, तो पहले यहाँ से किया था शॉर्टकट कमांड हो गया, यल से भी कर सकते हैं। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर यल दबाइए, शॉर्टकट कमांड इसका यल है, इंटर दबाइए, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मैंने कर दिया, उसके बाद ये तो स्ट्रेट नहीं हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F8 दबाइए। F8 दबाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर नीचे पर ऑर्थो ऑन हो गया, तो F8 से ऑर्थो ऑन हो जाता है शॉर्टकट कमांड है। उसके बाद आपको स्ट्रेट ही लाइन जाएगा, ऊपर कहीं या नीचे कीजिए, कहीं भी स्ट्रेट ही लाइन था नहीं, तो इसे स्ट्रेट यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए, उसके बाद फिर यहाँ नीचे जाने के लिए फिर नीचे जाइए, उसके बाद यहाँ पर मुझे एंगल में ड्रा करना है, तो एंगल में कैसे ड्रा करेंगे, तो उसके लिए तो और सो ऑफ करना पड़ेगा, तो फिर से F8 दबाइए, देख सकते हैं F8 दबाने के बाद यहाँ दिखा रहा है ऑफ हो गया, और सो ऑफ दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ मुझे 45 डिग्री में ड्रा करना है, तो इसको 45 डिग्री में कैसे ड्रा करेंगे, ऐसे ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, आप देख सकते 120 दिखा रहा है, तो ये नीचे से रिफरेंस में दिखा रहा है, देख सकते ऐसे ऐसे डिग्री दिखा रहा है, तो ऐसे मुझे 45 डिग्री में करना है, तो ऐसे मैनेज कर सकता हूँ मैं, तो ऐसे करने में तो टाइम लगेगा आपको, तो टैब दबाइए, और एग्जैक्ट भी नहीं आएगा तो टैब दबा कर 45 लिखिए, उसके बाद इंटर दबा दीजिए, देख सकते 45 डिग्री में चला गया। उसके बाद यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन करेंगे मैं, उसके बाद यहाँ पर मुझे 30 डिग्री में करना है, तो इस पर ऐसे कीजिए, उसके बाद टैब दबाइए, टैब दबा के यहाँ पर 30 डिग्री दीजिए, 30 आ गया, उसके बाद इंटर दबा दीजिए, देख सकते 30 डिग्री में हो गया। यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है इससे 30 डिग्री में बनेगा, देख सकते हैं इसके रिफरेंस से यहाँ पर 30 डिग्री, अब ये 30 डिग्री है कि नहीं है वो भी मैं आपको दिखा देना, मेजर करके दिखा देना चाहता हूँ आपको, जाइए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एंगुलर डायमेंशन है, तो यहाँ इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, इंटर, देख सकते हैं यहाँ पर 150 डिग्री दिखा रहा है, तो ये कैसे हुआ, एंटी क्लॉक वाइज हुआ, तो यहाँ बच गया क्या 30 डिग्री, तो यही 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री का लाइन ड्रा हुआ,
क्लॉकवाइज में बनता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ये तो हुआ, इधर से हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, एंगल बनेगा तो क्लॉकवाइज वाइज तो यहाँ पर ये 50 डिग्री हो गया, तो ये बच गया कितना 30, तो 30 डिग्री का मैंने बनाया तो 30 डिग्री बन गया। सो ऐसे आप एंगल में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्लॉकवाइज में। अगर उल्टा करना हो तो माइनस में रख दीजिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज में लाइन आएगा। जिगजाग बनाना है, टेढ़ा बना कर्व वाला लाइन बनाना है तो कैसे करिएगा आप, उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं लेयर दिखा रहा है बाय लेयर, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ अदर है, अदर पर जाइए। यहाँ पर तो नहीं दिखा रहा है कर्व लाइन के लिए या जिगजाग के लाइन के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं लोड है, लोड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस पर ऑप्शन देखिए, सेंटर लाइन की डॉट लाइन क्या चाहिए आपको, उस यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है, तो मैं जिगजाग लाइन सेलेक्ट करना चाहूँ तो इस पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ ओके दिखा रहा है तो ओके पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ नीचे आ गया, इस पर फिर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ ओके कर दीजिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा, अब जिगजाग लाइन आएगा। तो एल दबाइए, इंटर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आया, एल इंटर करके। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ क्लिक कीजिए, इसको मैं जूम करके दिखा देना चाहता हूँ। देख सकते हैं जिगजाग आ रहा है, जिगजाग आएगा आपको। अगर आपको कंटिन्यूस लाइन चाहिए तो आप कंटिन्यूस लाइन यहाँ से लोड करिएगा, यहाँ पर इसमें क्लिक करके। उसके बाद यहाँ अदर में जाकर यहाँ लोड पर क्लिक करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे करके आप करिएगा। उसके बाद आपको अगर कलरफुल लाइन ड्रा करना है तो कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं बाई लेयर साइड में यहाँ कलर दिखा रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने रेड सेलेक्ट किया। उसके बाद यह इंटर दबाइए, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रेड आ रहा है, लाइन जिगजैग में आ रहा है, तो ऐसे ही होगा। फिर से जिगजैग हटाना है तो यहाँ पर लेयर स्ट्रेट लाइन पर क्लिक कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन में होने लगा। एक और है लाइन कमांड ड्रा करने का तरीका, वो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मेथड से भी आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, वो कोऑर्डिनेट वाला मेथड है, उसे भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए यल दबाइए, इंटर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते कह रहा है स्पेसिफाइड पॉइंट, तो एब्सोल्यूट में कोऑर्डिनेट मेथड से लाइन ड्रा किया जाता है। तो मैं 0 लूँगा, एक्स कोऑर्डिनेट में 0 लेना चाहता हूँ, तो सेंटर से आएगा तो 0। उसके बाद कमा दबाइए, उसके बाद मैं 5 दूंगा, 5 अर्थात वाई कोऑर्डिनेट दूंगा 5। उसके बाद इंटर दबाएँ, देख सकते हैं यहाँ पर 0 से तिका ऊपर आ गया, 5 ऊपर चल गया, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद ये हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद ये हुआ वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट फिर मैं 0 रखना चाहूँगा, 0। उसके बाद कमा दबाइए, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट कितना रखना है, 5, इंटर। देख सकते हो वाई कोऑर्डिनेट में फिर ऊपर ही चल गया, इधर नहीं आया, एक्स कोऑर्डिनेट रखे हुए थे तो इधर रहता। तो अब मैं क्या करता हूँ, 5 कमा, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट 0 रख देता हूँ। देख सकते हैं तो ऊपर नहीं गया, यहाँ पर इधर आ गया एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ। तो ऐसे कोऑर्डिनेट मेथड से आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर ड्रा करना है मुझे लाइन, तो नीचे ड्रा करने के लिए कैसा होगा, तो उसके लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट 0 करना पड़ेगा पहला। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 मैंने दिया, उसके बाद नीचे करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस में देना पड़ेगा, तो -5, इंटर। देख सकते हैं नीचे आ गया, नीचे करने के लिए माइनस दबाइएगा और ऊपर ले जाने के लिए प्लस में करिएगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद ऊपर जाना है तो 0, उसके बाद कमा 8, इंटर। देख सकते हो ऊपर जा रहा है। तो ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप कैसा आवश्यकता पड़ेगा उसी के आधार पर आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो सब पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।